जब्बार हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं। जब्बार, बहुत दावा कर रहे थे कि भाजपा को यहां मैदान से ही हटा देंगे, तमाम आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन 11,500 इतना बड़ा मार्जिन पार कर पाएंगे जब्बार? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो रुझान आ रहे हैं वहां की सीट को लेकर के, 11,000 वोट का अपने आप में आसपास पहुंच पाना, बराबरी कर पाना भी बड़ी बात होगी और बड़ा मुश्किल होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। हालांकि जिस अंदाज में जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद में उनके साथ में दो और मंत्री भारतीय जनता पार्टी से निकल करके आए थे, समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद स्थिति तो ऐसी हुई थी कि जिस तरीके से दर्शाने की कोशिश थी कि शायद समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, मगर समाजवादी पार्टी इस वक्त जो रुझान है, रुझानों में तो काफी पीछे भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर इस वक्त पहुंचे हैं अखिलेश यादव, और इस वक्त अंदर जाहिर तौर पर मंथन चल रहा होगा, बाहर जो समर्थकों की भीड़ है चाहेंगे कैमरा पर्सन दिखाएं। गेट के बाहर हालांकि कुछ समर्थक जरूर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो उत्साह, वो अंदाज समर्थकों का दिखाई नहीं दे रहा। कुछ समझने की कोशिश करते बात करके, आप लोग यहां पर हैं, क्या लग रहा है कि अब तो काफी बहुत पीछे चली गई समाजवादी पार्टी रुझान में? ये आप कैसे कह सकते हैं, रुझान जो सामने आ रहा है? नहीं, रुझान जो आ रहे हैं अभी तो पूरा फाइनल जी, शाम के 7 बजे तक गिनती चलेगी। और आप उम्मीदें अभी भी हैं आप लोगों को? अभी उम्मीदें तो है ही है भाई, अभी तो बीजेपी 300 के आसपास, 300 के पार जाती है, रुझान तो बदलते होते हैं। फाइनल रिजल्ट है नहीं, फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आपने देखा कहीं कोई कमी? लेकिन ये जाहिर तौर पर कार्यकर्ता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, और इस वक्त जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर कार्यकर्ता अभी भी उम्मीद बांधे हुए हैं, मगर ये उम्मीद चलिए बिल्कुल जब्बार, ये देखना होगा कि ये जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं इनकी उम्मीदें पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, लेकिन जो अब मार्जिन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। अब ये देखना होगा जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं होते हैं। प्रत्युष मेरे साथ लगातार बने हुए, प्रत्युष, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर तो समर्थकों में निराशा है, आपके यहाँ जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है अभी से ही जीत का दावा, अलग अलग बीजेपी कार्यालय में आपको यहाँ पर अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ बाबा हाथ में त्रिशूल उसूल लेकर के पहुँचे हैं, बिल्कुल एक ने कहा बुलडोजर रिटर्न, बिल्कुल कह रहे योगी बाबा का नाम चेंज हो गया, बुलडोजर रिटर्न बाबा, हाँ रिटर्न बाबा है। मैं चुनाव आयोग से सेवानिवृत्त हूँ, ये विजय सरकार की विजय है, ये सुशासन की विजय है, ये महिला विकास की जीत है, गुंडागर्दी के ये विजय जो हुई है, ये जनता की विजय हुई, सत्य की विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास को लेकर पूर्ण बहुमत सरकार, कंधे कंधे में खाली घूम रहे हैं, तब से कंधे में चढ़ करके अब उत्तर प्रदेश शिमला बनने जा रहा है, शिमला बनने जा रहा है, और यहाँ की सर्दी अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, किसकी चर्बी उतरेगी, किसकी टंडन जाएंगे, यहाँ की जो शिमला का तापमान है वो इतना ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी ठंडा कर देंगे कि उनको यहाँ के तापमान में दिक्कत हो रही, तो वो लखनऊ शिमला बन जाएगा पूरी तरह से, कोई फिन बट नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर एयरपोर्ट पे जाके बैठे, कल 11 तारीख को अखिलेश यादव को रोकने के लिए लंदन जाने के लिए। ये जरा जरा वो भी तस्वीर दिखाइए, वो देखिए उधर उधर तालियां बज रही है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है बीजेपी का। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे, रुझानों में बीजेपी को 41% वोट मिला है, रुझानों में एसपी को 31% की वोटिंग, यानी लगातार पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया है। पहले दिन, पहले 3 चरणों में एसपी के दावे गलत निकले, लगातार समाजवादी पार्टी कह रही थी कि उनको पहले 3 चरणों में बहुत ज्यादा वोट मिलने वाले हैं, और इसी बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी को करीबन 41% वोट मिले हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 31% के वोट मिले हैं, यानी अभी वोटिंग परसेंटेज बताई जा रही है। और पश्चिमी यूपी में जाट मतदाताओं ने बीजेपी को चुना है, पहले 3 चरणों में एसपी को दावे गलत साबित, सभी 7 चरणों में बीजेपी में एसपी के ऊपर बढ़त बनाई है। देखिए लगातार हम आपको यह भी बता रहे हैं कौन सी सीट पर कौन कितना आगे चल रहा है, यह भी बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से रुझान चल रहे हैं इस समय। और रोहित का रुख भी कर लेते हैं, रोहित खास तौर पर, रोहित रंजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले जो 3 चरण होंगे वो तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के पाले में जाएंगे, लेकिन आंकड़े और रुझान तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए पहले 3 में ही सफाया हो गया समाजवादी पार्टी का।
देखिए सुमित, मैं बीजेपी दफ्तर पे ही सुबह हूँ और यहाँ तो जश्न जो है शुरू हो चुका है और तालियों की गूंज के बीच में भी आप देख सक रहे हैं ना कि किस तरह से जो राम को लाए हैं, गाने भी चल रहे हैं, तमाम चीजें भी चल रही है और कार्यकर्ताओं के बीच में मैं भी फिर से एक बार पहुंचूंगा कि अंदर आइए मैं और कार्यालय के बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के पास ही जा रहा हूँ। देखिए ये लोगों में जो जश्न है, लोगों में जो उत्साह है वो दिख रहा है, लोगों में जो उत्साह है। क्या भैया होली शुरू हो गई? होली शुरू हो गई, भगवा रंग से होली हो रही है। 80 बनाम 20 की लड़ाई में 80% जीता है और हमारा हिंदुत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते थे अखिलेश यादव लोग, आज हम लोग का राष्ट्रवाद जीता है, आज हम लोग का गरीबों की सेवा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और 5 तारीख को ये रिजल्ट जब घोषित हो गया था तभी पता चल गया भारतीय जनता पार्टी से।